डोईवाला में सशक्त भू कानून की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने महारैली निकाली। यूकेडी नेताओं ने बीजेपी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय से यूकेडी उत्तराखंड में भू कानून लागू करने की मांग कर रही है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग भू कानून लाने से मना कर रहे हैं। साथ ही कहा कि सरकार मूल निवास की बजाय स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी कर रही है, जिससे राज्य के मूल निवासियों को नौकरियों से वंचित रहना पड़ रहा है। इसी को लेकर यूकेडी ने मूल निवास की कट ऑफ डेट 150 किए जाने की हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू कानून लागू करने की मांग की है, जिससे जल जंगल जमीन बचाकर युवाओं को रोजगार मिल सके। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। बारी बारी दोनों सरकारें देख रही, ये उत्तराखंड विरोधी है। ये न रोजगार, नौजवानों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं, न मूल निवास लागू कर रहे हैं, न भू कानून लागू कर रहे हैं। इनको सिर्फ दिल्ली से संचालित हैं ये, और ये राष्ट्रीय एजेंडा चला रहे हैं, जिससे कि हमारे बच्चों को जो है आज सबको महसूस हो गया है कि उत्तराखंड में पहाड़ों पे क्या करो। इनको रोजगार मत दो, इनको स्वास्थ्य सुविधाएं मत दो, इनको अच्छी शिक्षा मत दो, ताकि ये वहाँ से भाग करके नीचे की तरफ आ जाएंगे। और हम जो है यहाँ से जा करके जो बड़ी बड़े धनपति लोग हैं, 100 नाली वाले ऊपर यहाँ 100 गज में आ रहे हैं, और 100 गज वाले यहाँ से 100 नाली पे जा रहे हैं, बड़े बड़े रिसोर्ट्स बना रहे हैं, एक एक कमरे को 5-5 हज़ार में नाइट का लगा रहे हैं, और छिन्न भिन्न हो रही है उत्तराखंड की, हालात बहुत खराब है। जब से राज्य बना है तब से हम मूल निवास की मांग कर रहे हैं। मूल निवास 1950 लागू होना चाहिए और सशक्त भू कानून हिमाचल की तर्ज में बनना चाहिए। तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उत्तराखंड क्रांति दल पूरे प्रदेश में रैलियां निकालकर जनता को और सरकार को जगाने का काम कर रही है, और उत्तराखंड क्रांति दल ने तय किया है जब तक मूल निवास 1950 लागू नहीं होता है तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और न सरकार को बैठने देंगे।